हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं रिशा, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में ना मैं अपना मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का रूटीन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सुबह में हेयर कलर लगाना था, वो लगा लिया था और टाइम था अभी 30 मिनट बाद हेयर मतलब वॉश करने जाऊँगी। तो मुझे लगा कि मैं मतलब थ्रेडिंग वगैरह आज कर लेती हूँ। तो थ्रेडिंग के लिए ना मैं ये ट्रिमर यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थ्रेडिंग का चार्ज बहुत ही ज़्यादा है। बाहर आप कराओ ना तो बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं तो हमेशा अपने हाथ से ही करती हूँ और ये ट्रिमर ले ली हूँ तो बहुत आराम से हो जाता है। बट ट्रिमर का एक ही है कि बहुत जल्दी फिर हेयर ग्रोथ होने लगता है, लेकिन यहाँ पे धागे से ना बहुत ही टाइम लगता है। तो इसलिए मैं ट्रिमर धागा दोनों यूज़ करती हूँ। तो जब मेरे पास टाइम रहता है तो मैं धागा यूज़ करती हूँ, नहीं तो ट्रिमर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं मतलब हेयर कलर लगाया तो 30 मिनट मुझे वेट करना ही है और कुछ काम भी नहीं है किचन का। तो मुझे लगा लास्ट मैं थ्रेडिंग अच्छे से कर लेती हूँ। और ये थ्रेडिंग करने के बाद में मैं नेल्स वगैरह कट करने हैं, मैं वो करूँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी नहाने। यहाँ पे नहाई, पूजा वगैरह की, कलर लगाई थी तो फिर वो हो गया था 30 मिनट। तो फिर नहाई, पूजा की और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्रूट्स कट कर रही हूँ। इनका ऑफिस चल रहा है, नाश्ते में आजकल हम लोग यही लेते हैं, कुछ बनाती नहीं हूँ। 1 महीने से हम लोग ऐसे कर रहे हैं ना, तो वेट भी कम हुआ है दोनों जन का, क्योंकि सुबह में सिर्फ फ्रूट्स लेते हैं। जो भी फ्रूट्स रहता है घर पर ना, वो मतलब 1, 2, 3 जो भी रहता है मिक्स करके ऐसे ले लेती हूँ। तो इनका ऑफिस चल रहा है वहाँ दे देती हूँ और मैं बैठ के यहाँ पर आराम से खाती हूँ और फ़ोन वगैरह इसी टाइम पर देखती हूँ। वीडियो वगैरह डालनी रहती है तो इस टाइम पे ही मैं डालती हूँ। तो यहाँ पे बस टीवी वगैरह थोड़ी देर ऑन करूँगी। आज खाने में कुछ बनाना नहीं था तो बस आराम से टीवी वगैरह और फ़ोन वगैरह भी अपना चेक कर रही थी, वीडियोस वगैरह भी। और ये कल का मैं पुलाव बनाई थी वो बचा हुआ था, तो थोड़ा सा मैंने इसको गर्म किया, साथ में थोड़ा सा पापड़ सेक लिया, 2 पापड़ सेक लिया, थोड़ा सा रायता बना लिया है ऐसे इसके साथ खाना था। तो मुझे लगा हो जाएगा इतने खाने में, मतलब बनाती नहीं हूँ, शाम में बनाती हूँ फिर। तो यहाँ बस दोपहर में वही पापड़ और सैलड वो बनाना था, रायता बनाना था और गर्म करना था। तो ये हमारा खाना हो गया दोपहर का। बस खाना वगैरह खाने के बाद में किचन, आज सुबह से किचन का कोई काम नहीं की हूँ, क्योंकि नाश्ते में फ्रूट्स ही खाया और खाना था। तो यहाँ पे खाने के सारे बर्तन फैले हुए थे और जो क्लीन बर्तन थे वो ड्राई हो गए थे। तो मैंने मतलब जो वॉशर और ड्रायर होता है ना, मतलब डिश वॉशर जो होता है बर्तन का, वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैं उसमें ड्राई बर्तन, अपने साफ बर्तन ही रखती हूँ। तो यहाँ पे ये सारे सेट कर दिए, उसके बाद में फिर बैठ के अपना टीवी वगैरह देखा। और यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो गया, चाय बना रही हूँ एक साइड, और आज खाने में बनाऊँगी चने, जो हरे चने होते हैं ना, उसको भिगाया था, भिगा हुआ रखा था। तो उसमें आलू, एक बड़ा आलू छोटा छोटा पीस करके कट कर दिया है, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। डालने से ना चना अच्छे से गल जाता नहीं, चना खड़ा खड़ा रहता है, बिल्कुल अच्छा नहीं आता है वो। तो बेकिंग सोडा डालने से ना चने अच्छे से गल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको मतलब बीन्स जो होता है ना, प्रेशर कुकर नहीं लगा रही हूँ, बीन्स वाला ऑप्शन रहता है वो लगाती हूँ, तो अच्छे से चना गल जाएगा, एकदम गला गला बन जाएगा। मैंने वो चढ़ा दिया पकने के लिए और फिर चाय बन गई थी, चाय पी। और यहाँ पे देखिए ये उबल गया, अच्छे से पक गया था, देखने में लगता है कि खड़ा खड़ा है, बट ऐसे प्रेश करेंगे ना तो आराम से मतलब वो दब जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में इसको निकाल लिए हैं। अब मैं मसाले यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। तो मसाले में मैंने लिया है धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, उसको पानी में भिगा दिया है। थोड़ी देर फूलेगा ना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक कद्दूकस किया है और प्याज टमाटर मिर्ची कट कर ली है। अब सरसों का तेल डालूंगी इसमें, थोड़ा सा जीरा और हींग का तड़का दूंगी। उसके बाद जो जिंजर गार्लिक मतलब कद्दूकस की थी वो डाला, और वो थोड़ा सा भुनने के बाद में फिर यहाँ पे मैं कटे हुए जो प्याज थे वो डाल रही हूँ। मैं बहुत ये सारी चीज़ें ना बहुत कम कम ही डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। और फिर उसके बाद टमाटर डाला, टमाटर थोड़ी देर चलाने के बाद जो मसाले मैंने भिगाए थे ना वो डाल दिए। और इसको मैं जब तक तेल मतलब छोड़ ना दे तब तक मुझे अच्छे से भुनना है। यहाँ पे देखिए तेल अच्छे से मतलब छूट रहा है। तो इसमें मैंने वही उबले हुए आलू और चने जो थे वो डाल दिए, और इसको मैं ढक के थोड़ी देर पकाऊंगी और फिर मैशर से इसको मैश कर दूंगी। तो खाना मतलब खाना नहीं, सब्जी बन गया था। और अभी यहाँ पे शाम का से 6, 6:30 बजे का टाइम हो रहा, तो खाना तो नहीं बना, मतलब खाना तो भी नहीं खाऊंगी, लेकिन सब्जी वगैरह बना दिया है, आके मैं रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ पे बोर हो रहा था, मार्शल आ गए थे, बस ऐसे ही घूमने के लिए आए थे। यहाँ पे ये 2 स्नैक्स मुझे पसंद आए थे वहाँ पे, तो लगा चलो घूमते घूमते दिखा तो लगा चलो ले लेते हैं। तो ये डेट्स लिया और
एक नारियल का ऐसे स्वीट है, बहुत ही अच्छा था, मैंने पहली बार ट्राई किया। ये तो मार्शल से हमने पहली बार ही लेके आया, ऐसे गई थी घूमने, देखते देखते अच्छा लगा तो यहाँ पे मैंने खा भी लिया है। पैकेट खोल के उनको, मतलब मेरे हस्बैंड को वो डेट्स पसंद है और मुझे नारियल वाला जो स्वीट ली थी ना वो बहुत पसंद आया था, वो खाया। और उसके बाद उसको फ्रिज में रखा, घर पर आने के बाद बस रोटी बनानी थी, सब्जी बनाई ही थी तो रोटी सेक के घी लगा लिया है और अब बस खाना वगैरह खाएंगे, फिर वही सेम बर्तन क्लीन करना, फेस वॉश करना, ब्रश करना, ये सब रहेगा। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो में मेरा मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का रूटीन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ वीडियो का एंड में यहीं करती हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा हो गया रात का डिनर।